बैक ऑन अदर वीडियो फ्रेंड्स। आज मैं सिखाऊंगा डिफरेंस बिटवीन वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब। वन वे स्लैब क्या होती है, टू वे स्लैब क्या होती है, तो हमें किस तरह से उनमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है, कैसे हम चेक करेंगे कि ये वन वे स्लैब है या फिर टू वे स्लैब है। तो मोस्टली साइड पर अक्सर पूछा जाता है, सीनियर भी हमसे पूछ लेते हैं कि वन वे स्लैब क्या है, टू वे स्लैब क्या है, मेन बार क्या है, क्रॉस बार क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या है, ठीक है, और क्रैम वर्क हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो वन वे स्लैब में लोड क्या होता है, टू वे स्लैब में क्या होता है, तो कुछ ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स जानेंगे हम, ठीक है। तो आपको इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और फ्रेंड्स में शेयर करना। चलो शुरू करते हैं, सबसे देखते हैं वन वे स्लैब में क्या होता है और डिफरेंस क्या है टू वे स्लैब। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सपोर्टेड बाई बीम इन ओनली टू साइड्स। आपने देखा होगा जो वन वे स्लैब होती है ओनली टू साइड में सपोर्टेड होती है, ठीक है, वन वे दो साइड में आपको सपोर्ट। सपोज कि आपकी कॉलम है, आप यहाँ पे कॉलम रहेंगे तो आपकी बीम है, वन बीम एंड सेकेंड बीम दो साइड में आपको सपोर्टेड है, आपको ये प्रीलेस है, ठीक है। और सपोर्टेड बाय बीम इन ऑल फोर साइड्स, ये वन वे स्लैब में ये जरूरी नहीं कि आपको दो साइड से प्रोवाइड हो, फोर साइड से हो सकती है, डिपेंड करता है आपकी स्पैन ऑफ द स्लैब पर, स्पैन एंड ब्रेथ पर। उसके बाद सपोर्टेड बीम इन ऑल फोर साइड्स, जो सपोर्टेड होता है टू वे स्लैब फोर साइड में सपोर्टेड होती है, ठीक है, वन सपोर्टेड, सेकंड सपोर्टेड, फोर साइड सपोर्टेड रहेगा। उसके बाद देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, लोड कैरिड अलोंग वन डायरेक्शन, जो उसका लोड रहेगा अलोंग वन डायरेक्शन में ही प्रोवाइड होता है। जैसे सपोज कीजिए आपको ये स्पैन ऑफ द स्लैब है, ज़्यादा लॉन्ग इसकी स्पैन्स है, इसकी चौड़ाई कम रहेगी और स्पैन ज़्यादा रहेगा, लेंथ ज़्यादा रहती है, तो लोड कहाँ पर ट्रांसफर होता है, लॉन्ग डिस्टेंस पर, जो कि शॉर्ट स्पैन है तो ये ट्रांसफर होगा वो साइड में, क्योंकि अपने बीम प्रोवाइड यहाँ पे करनी, बीम यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, तो ये क्या रहेगा वो साइड में आसान रहेगा, बेंड नहीं होती है इससे, तो ये लोड क्या ट्रांसफर करेगा, शॉर्ट स्पैन पर ट्रांसफर करता है, ठीक है, शॉर्ट स्पैन पर आपको ट्रांसफर करेगा। जबकि आपको क्या करेगा, द लोड कैरिड अलोंग बोथ डायरेक्शन, अगर आपकी जो स्लैब है वो टू वे स्लैब, तो इसमें क्या करेगा, बोथ साइड में लोड ट्रांसफर करता है। जैसे सब स्लैब है तो आपकी बोथ साइड में आपका यहाँ पे ये आपकी स्लैब का स्पैन रहेगा, बोथ साइड में आपके पास बीम है, तो बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करता है आपका सपोर्टिव बीम, ठीक है, तो ये आप क्रैंक बार आप प्रोवाइड करते हैं इस तरह से, तो इस तरह लोड प्रोवाइड करेगा, तो इस तरह से कुछ एक सेक्शन बनेगा, ठीक है। तो आपने देखा लोड कैरी बाय बीम, आपके जो लोड कैरी करेगा आपके बीम पे प्रोवाइड करेगा जो बोथ साइड पर है, इसका बेंडिंग मोमेंट क्या बनेगा, कॉन्स्टेंट डिफ्लेक्शन अलोंग बोथ लॉन्ग स्पैन पे, जो लॉन्ग डिफ्लेक्शन क्या होगा इसका, तो कुछ इस तरह से इस डिफ्लेक्शन होगा, जो स्ट्रेट रहेगा उसके बाद इसके आपने देखा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो इस तरह कुछ बनेगा। तो उसके बाद टू वे स्लैब में पैराबोलिक डिफ्लेक्शन रहेगा, पैराबोलिक बिल्कुल पैराबोलिक डिफ्लेक्शन रहेगा, ठीक है, जैसे लाइव लोड होता है, तो ये आपका पॉजिटिव मोमेंट रहता है। उसके बाद देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है, बेंडिंग टेक्स प्लेस ओनली इन वन डायरेक्शन, जो बेंडिंग टेक्स प्लेस लेता है ओनली लेता है इन वन डायरेक्शन में, यहाँ हमने देखा बेंडिंग जो लेता है वन डायरेक्शन, ओनली वन डायरेक्शन में लेता है बेंडिंग वन डायरेक्शन, और इसमें क्या रहेगा, बेंडिंग टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन। तो अगर आपका ये पैराबोलिक जो डायग्राम बना है पैराबोलिक, तो लॉन्ग स्पैन बनेगा, तो शॉर्ट स्पैन भी आपका पैराबोलिक बनेगा, क्योंकि आपका जो लोड कैरी हो रहा है बोथ साइड डायरेक्शन में हो रहा है, यहाँ पर बीम हो रही है तो ये भी आपको ट्रांसफर करेगा लोड, ये बीम प्रोवाइड हो रहा है तो ये भी आपको ट्रांसफर बीम पे करेगा लोड, ठीक है स्लैब का। आगे देखते हैं सबसे मेन पॉइंट अगर आप इंटरव्यू में पूछ सकता है, तो वन वे स्लैब का अगर टू वे स्लैब, तो सबसे मेन पॉइंट आपको ये याद रखना होना चाहिए, द रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पैन ऑफ शॉर्टर स्पैन इज इक्वल और ग्रेटर देन टू। अगर आपके वन वे स्लैब है तो उसमें आपको बस यही करना है कि जो आपका लॉन्ग स्पैन है और शॉर्ट स्पैन है उसका बस रेशियो दो होना चाहिए या फिर दो से ज़्यादा होना चाहिए। सपोज कीजिए आपके पास लॉन्ग स्पैन है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, रेशियो क्या रहेगा, द रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन इज इक्वल और ग्रेटर देन टू, दो से ज़्यादा हो या बराबर हो। तो सपोज कीजिए आपके पास लॉन्ग स्पैन है बीम स्लैब का 4 मीटर या फिर 4 फीट, ठीक है, और लॉन्ग स्पैन क्या रहेगा आपके पास 4 मीटर या फिर 4 फीट, जो भी आप ले सकते हैं जो आपके पास मेजरमेंट साइड पर कर रहे हो, ठीक है, तो शॉर्ट स्पैन आपने लिया 2 फीट या फिर 2 मीटर, तो इसको डिवाइड करते हैं, तो दो आपके पास दो आता है, और कंडीशन क्या था आपके पास ग्रेटर देन या बराबर टू, तो दो के आपके पास यहाँ बराबर आ रहा है, तो क्या रहेगी आपके पास ये वन वे स्लैब। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर आपके पास ये 5 मीटर लॉन्ग स्पैन है और शॉर्ट स्पैन आपके पास 2 मीटर है या फिर 5 फीट या फिर 2 मीटर, ठीक है, तो इसको डिवाइड करते हैं 2.5 मीटर आता है आपके पास रेशियो 2.5। अब कंडीशन क्या कह रहा है,
कि दो से ज़्यादा, ये दो से ज़्यादा है तो ये आपके पास वन वे स्लैब है। और टू वे स्लैब में द रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन इज लेस देन टू, ये जो आपका शॉर्टर लॉन्ग स्पैन है शॉर्टर स्पैन से कम होना चाहिए, तो लॉन्गर स्पैन डिवाइड बाई शॉर्टर स्पैन लेस देन टू। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपके पास लॉन्ग स्पैन है आपके पास 3 मीटर और शॉर्ट स्पैन आपके पास 2 मीटर, तो इसको डिवाइड करते हैं तो 1.5 मीटर आता है। अब कंडीशन क्या कहता है, तो इससे आपके पास दो से ये छोटा है तो ये क्या है आपके पास टू वे स्लैब है। क्लियर। अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, तो मेन बार इज प्रोवाइडेड ओनली इन शॉर्ट स्पैन। जो आपके पास वन वे स्लैब रहेगी, आपने देखा होगा जो क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या रहेगा ओनली वन डायरेक्शन में रहेगा, और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार रहेगा आपके पास इस तरह से ओनली स्ट्रेट बार रहेगा, ये स्ट्रेट बार। सबसे पहले आपको क्या करना है मेन बार प्रोवाइड करना है, उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करना है क्रॉस बार, ठीक है। तो मेन बार में आपको क्या प्रोवाइड करना है क्रैंक बार प्रोवाइड करना है, ये क्रैंक बार रहेगा, ठीक है। तो क्रैंक बार आपको क्या लेना है, आपके पास ये टोटल एल है, ठीक है, तो आपके पास एल है तो एल बाई फोर से लेते हैं ये वाले जो क्रैंक बार आपको। उसके बाद देखते हैं टू वे स्लैब में मेन बार इन प्रोवाइडेड इन बोथ डायरेक्शन, जब आपको मेन बार रहेगा बोथ डायरेक्शन करवाएंगे आप। सबसे पहले क्या रहेगा जो इसकी शॉर्ट स्पैन है, सबसे पहले आपको उसमें मेन बार प्रोवाइड कराएंगे, उसके बाद जो क्रॉस बार रहेगा, ठीक है, क्रॉस बार जैसे लॉन्ग स्पैन पर रहेगा, ये आपको मैं बता देता हूँ, जो शॉर्टर स्पैन होता है, शॉर्टर स्पैन होता है आपके पास मेन बार और लॉन्ग स्पैन आपके पास रहता है क्रॉस बार, ठीक है। मैं आपसे कोई पूछ सकता है मेन बार क्या होता है क्रॉस बार क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन आप जैसे क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं इस तरह से क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, यहाँ आपके पास चेयर प्रोवाइड करना है आपको, तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास प्रोवाइड करते हैं ये वाला, ठीक है। तो लॉन्ग स्पैन क्रॉस स्पैन तो चल गया, मेन बार सबसे पहले मेन बार में आपको क्रैंक बार प्रोवाइड करना है और जो क्रॉस बार रहेगा उसमें भी आपको मेन बार प्रोवाइड करना है क्रैंक बार, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सिक्स पॉइंट, और थिकनेस ऑफ स्लैब इज ग्रेटर टू और टू वे स्लैब रिक्वायर्ड, तो थिकनेस होती है स्लैब की इज ग्रेटर होता है, टू वे स्लैब है अब वन वे स्लैब है, इस स्लैब से इसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। अगर आप इसमें 5 इंच थिकनेस ले रहे हैं तो इसमें आपको 6 इंच की थिकनेस रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो थिकनेस ऑफ स्लैब टेक्स लेस रिक्वायर्ड कंपेयर टू वन वे स्लैब, अगर आप टू वे स्लैब ले रहे हैं तो वन वे स्लैब के अकॉर्डिंग इसमें आपकी जो थिकनेस रहेगी वो कम रहती है, ठीक है। तो कुछ बेसिक टर्म्स है आपको जो मोस्ट याद रखने चाहिए, तो वीडियो कैसी लगे प्लीज कॉमेंट बॉक्स में लिख देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, थैंक यू। और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें, सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे।